5, सर्किट नंबर 6 L1 Y5 को मैंने शॉर्ट कर दिया बॉडी अर्थ से, इससे हमारा इस अर्थ की कंटिन्यूटी भी अंदर वाली स्ट्रिप से हो जाएगी, ठीक है। Y5, 6L1 Y5, हमारा सर्किट यहाँ पे आया है और हमारे सारे जो फेज है वो शॉर्ट है, शॉर्टलिंग आपको दिखाई होगी अंदर कॉपर की, ठीक है, ये शॉर्टलिंग पड़ी हुई है, ठीक। तो शॉर्टलिंग ये इसके साथ आ रही है, ठीक। हम लोग साउंड के साथ रीडिंग भी देख सकते हैं, इन्होंने टेस्ट कर लिया 0-0 आ रहा है। तो हम लोग उसके फेज के साथ ये हो गया आपका अर्थ, हमारा जो फेज आया है ये जहाँ कनेक्ट इस पर करते हैं, ये हमारा 0.4 बता रहा है, यानी ये ठीक बता रहा है, कंटिन्यूटी का बी का साउंड भी आ रहा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो स्विच का इनपुट है, इस लिंक है, हम आउटपुट लगाएंगे, आउटपुट अभी नहीं बता रहा है क्योंकि हमारा बंद है। हम लोग क्या करेंगे, मैं इस मल्टीमीटर को प्रोब को यहाँ फंसा दे रहा हूँ, इस तरीके से हम लोग अब स्विच को चालू करेंगे, हमारा स्विच आउटपुट पर कनेक्ट है, ठीक। इसने हमें बंद किया, तुरंत चला गया, ऑन किया तो कंटिन्यू बता रहा है, इसलिए चेक हो जा रहा है फेज हमारा सही, स्विच हमारा सही फेज में लगा हुआ है, यानी लाइव में लगा हुआ है। ओके, थैंक यू।